Alicia does it. Hi. So, we'll start the Q&A like this. Is there a mic? Someone's sitting around here. So, trailer बहुत बढ़िया है. बधाई हो पूरी टीम को. Thank you, Alok. Sir, thank you. Hi, hi. सवाल ये है कि मैं चाहूँगा कि आप सबका भूतों का experience कैसा है असल ज़िंदगी में जरा बताएँ. पंकज भाई अगर आप start करें और अभिषेक खत्म करें इसको. मेरा तो बहुत भूतों से पाला पड़ा है. 14 साल में भूतों के बीच ही घूम रहा था. ऐसा कुछ नहीं है, मैं भूत प्रेत में उतना नहीं मानता हूँ, बट रात अंधेरी हो तो डर तो थोड़ा लगता ही है. इतना ही है. You know? यार मैं तो बहुत फटता हूँ ये मामले में. हाँ ऑनेस्ट. तो जब पहली बार एक्चुअली मैंने स्त्री का कट देखा और रात को मैं सो रहा था तो मैं बीच में उठ गया और मैं पर्दे के पीछे देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ. तो इस पिक्चर का यूनिक बात यह है कि आपको जेन्यूनली हंसाएगी और बहुत डराएगी और बहुत सोचने पर भी मजबूर करेगी. अपार साहब. यार मैं बिलीव नहीं करता हूँ इनमें, लेकिन मैं जब छोटा था तो मुझे सपने जरूर आते थे एंड दैट यूज टू बी रियली रियली स्कैरी. अदरवाइज मैं बिलीव नहीं करता हूँ. मैं पता नहीं भूतों में विश्वास करता हूँ कि नहीं, पर वो मुझ पर जरूर विश्वास करते हैं. तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे टकरा जाते हैं. चंदेरी में हम लोग शूट कर रहे थे एक्चुअली एंड देयर इज एन इमेज व्हिच आई एक्चुअली आल्सो पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम और ऑन ट्विटर, आई डोंट रिमेंबर व्हिच. राज सर हैज क्लिक्ड एंड इफ यू कैन गो बैक टू माई ट्विटर एंड यू कैन सी इट देयर, यू विल एक्चुअली वी वर शूटिंग एट नाइट अराउंड 3:00, 3:30 एंड दिस एक्चुअली देयर वाज समबडी पीपिंग एंड दैट थिंग हैड नो फेस एंड वी ऑल गॉट रियली स्पूक्ड आउट ऑफ दैट इमेज. रिमेंबर सर? Yeah, so I think there are energies here. I'm sure. हो सकता है इन चेयर्स पे भी अभी कोई बैठा हो जो शायद हमें दिख नहीं रहा है, जिनके हाथ में कैमरा, जो शायद ये फिल्म ट्रेलर देख के एंजॉय कर रहे हैं. You never know. श्रद्धा. Actually, मुझे एक तो हॉरर फिल्मों से ही डर लगता है to begin with. तो जब मैंने हमारी ही फिल्म देखी तो मैं हमारी फिल्म को ऐसे देखी थी और बीच बीच में हंस भी रही थी, तो वो एक काफ़ी अजीब एक्सपीरियंस था. लेकिन भूत प्रेत में आई डोंट नो, डेफिनेटली रात को जब सोती हूँ तो एक छोटा सा लाइट ऑन रख के सोती हूँ और हॉरर फिल्मों को मैं ऐसे एक्चुअली ज़्यादा देखती नहीं. तो आई थिंक मोर देन गेटिंग स्केर्ड ऑफ गोस्ट, आई थिंक आई एम स्केर्ड ऑफ हॉरर फिल्म्स. सो अभिषेक आप भी सरप्राइज पैकेज हैं, जरा बताएं. नहीं, मुझे तो वैसे बचपन से भूत देखना था लेकिन अभी तक देख नहीं पाया हूं, तो मैं वेट कर रहा हूं कि कब वो दिन आएगा. अमर, जब आप डायरेक्ट कर रहे थे फिल्म तो कभी ऐसा एहसास हुआ जैसा फोटो के बारे में जिक्र किया रासन ने कि कुछ और ऐसी बातें कभी सपने में आई हों लिखने में या शूट करते वक्त? हाँ हाँ, बहुत बहुत बार होता था, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता था. और नहीं भी होता तो हम लोग सोचते थे हाँ ये हो रहा है, वो भी होता था. और जब ये हुआ कि मुझे डायरेक्ट करनी है हॉरर फिल्म, तो हॉरर बहुत डर लगता था मुझे हॉरर फिल्म से, लेकिन हंसी बहुत ज़्यादा आती थी. मैंने कहा दोनों को मिक्स कैसे करें, और वैसे ही फिल्म आ गई हॉरर कॉमेडी, तो मैंने कहा मज़ा आएगा. That's the comedy part for people who don't really believe it. So I think people who have written it might just be able to answer the question in an apt way. 5 years ago when I was in college, not five, but yeah. 5 years ago. Maybe four. Three of us were going in the middle of Mahashivratri night when you're all about, we're all set freedom and you can go be up all night. So we were going around, we had lots of plans, we'll play, we'll go there, we'll do lots of nefarious activities. Somebody said, don't go to the edge of the hills because wahan pe ek stree ghoom rahi hai. We were like, what the? So we were like, okay. He said, we want to see it now. Sure, the part of the festivities. So we drove up there. From the very far, we saw one figure. I don't know what it was, but since then we wanted to make a horror comedy out of it because we were the fattoos, didn't want to go all the way there, but that's how it started. So you never believe it. The fact that we don't believe it makes it funny. Sir, aapko dard hota hai koi mare to? Aap bata dijiye. तो सर ये वही है हमारी फिल्म में भी, हम सब मर्द हैं हमारी फिल्म में और हम सबको बहुत दर्द होता है सर. मैं जब स्त्री आती है बहुत दर्द होता है सर. मेरा राज और डीके जी से सवाल है. इसके पहले एक फिल्म आई थी तलाश, जिसमें जो एक थ्रिलर थी
और कोइंसिडेंटली उसमें भी जो करीना कपूर का कैरेक्टर है वो एक प्रोस्टिट्यूट का था. तो ये कहानी हालांकि आपकी कॉमेडी है लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी वो एक तकलीफ, वो दर्द है जो उस कहानी में था कि एक औरत खो जाती है साहब और कोई. See, basically, I don't know, it's strange that you compared both the films. They're completely different genres. But what this film is, the inherent theme of the film is, it's a satirical take on the plight of women, on women for that matter. We didn't want to put a message in strongly and none of that stuff, but there is a continuous satire on how mard ko dard hoga. And, you know, guys, beware. Guys, don't go out at night. You know, ghumna achcha nahi hai, achche kapde pehno. All that stuff is in the film in a very satirical way. So I think the message is included and not underlined. Yeah, it's also the only town in the country where men are not safe to go out at night. So. Hello. My question is to Rajkumar and Shraddha Kapoor. तो इसमें लिखा है मर्द को दर्द होगा, तो आप दोनों की लाइफ में ऐसे कौन से तीन इंसिडेंट्स हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा दर्द हुआ हो? दर्द कैन बी एक्चुअली फिजिकल और इमोशनल. फिजिकल, इमोशनल, एनी थ्री इंसिडेंट्स इन योर लाइफ. ऑफ कोर्स व्हेन आई लॉस्ट माय मॉम, दैट वाज द मोस्ट टेरिबल पेन, इमोशनल पेन. उसके अलावा कम. Yeah, we were playing. Yeah, no, Apar. Apar ने बहुत run out कराया मुझे. हम चंदेरी में क्रिकेट खेलते थे, तो हर बार बहुत दर्द होता था. तो वो बहुत दर्द की बात है. और I think जब भी like सचिन के almost 100 मारने वाले होते थे पर out हो जाते थे तो बहुत दर्द होता था. I think कब सबसे ज्यादा दर्द होता है? डेफिनेटली शायद कनेक्टिंग टू स्त्री, जब दर्द दिया है तब थोड़ा सा दर्द भी होता है कनेक्टिंग टू द फिल्म. बट अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली हार्ट ब्रेक इज क्वाइट वेरी पेनफुल, वेरी वेरी पेनफुल. पर उसके अलावा जब अगर दूर से मेरे सामने से एक प्लेट डिजर्ट का जा रहा हो और किसी भी कारण से मैं वहाँ पहुँच नहीं सकती या वो मेरे पास पहुँच नहीं सकता, तो बहुत दर्द होता है, बहुत बहुत दर्द होता है, क्योंकि बहुत बड़ा वीकनेस है डिजर्ट का. और बहुत सारी विजिट्स करती हूँ डेंटिस्ट को, तो उससे बहुत दर्द होता है. एंड लेकिन स्त्री को दर्द नहीं होता, लेकिन पता नहीं. और मेरा ये सवाल पूरी टीम से है, आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है पूरी दुनिया में? आई थिंक टू लूज अ लव्ड वन, बिगेस्ट फियर. राजकुमार एंड अपार शक्ति, आप लोग को किससे लगता है डर सबसे ज्यादा, किससे लगता है पूरी दुनिया? जब मैं रेडियो पे था तो अक्सर डायलॉग बोलता था थप्पड़ से डर लगता है, पैर से लगता है, क्योंकि यू नो द फिल्मी गाय ऑन रेडियो. बट अदरवाइज डर या किससे लगता है, सर इस चीज से लगता है कि आई शुड नॉट लूज द नैक ऑफ हैविंग अ रियलिटी चेक, सर इससे डर लगता है. राजकुमार एंड पंकज सर, आपको? व्हाट अबाउट यू राजकुमार? मुझे या जो श्रद्धा ने कहा एक्चुअली टू लूज योर लव्ड वंस, उससे बहुत डर लगता है. थैंक यू श्रद्धा. Hi Shraddha. Sorry. I have a cold. On your left here, Shraddha. Sorry. Oh. On your left. Hi. The other left. Yeah. You have been wanting to do a comedy for a long time, I believe. I was reading somewhere. And I think Dinesh said that she has a lot of quirkiness in her. So what is the experience? I mean, comedy, do you enjoy doing this? अगर quirkiness है या नहीं वो आई थिंक आप सबको बाद में फिल्म के रिलीज के टाइम पे पता चलेगा. पर डेफिनेटली बहुत मज़ा आया, जैसे राज ने भी कहा, इस फिल्म का हिस्सा बनने का डेफिनेटली एक बहुत न्यू एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए. एंड एवरी वन इज़ वेरी फनी इन रियल लाइफ, तो उनकी कंपनी में ही बहुत मज़ा आया. एंड आई रियली होप कि सबको फिल्म पसंद आए. दैट्स ऑल.
And which is your favorite horror film, you and Raj? Favorite horror film? Mine is Conjuring 1. No, mine. Mera favorite horror film nahi hai. Horror comedy is 3. Yes? जैसे हर फिल्म से होती है उम्मीद है कि लोगों को पसंद आए, उम्मीद है कि लोग सपोर्ट करें, उम्मीद है कि लोग एंटरटेन हो. श्रद्धा, विच जॉनर यू एंजॉय मोर? विच जॉनर डू आई एंजॉय मोर? टू बी अ पार्ट ऑफ, टू शूट, और जस्ट टू वॉच एज एन एक्टर? आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग ऑन दिस फिल्म, सो आई वुड से दैट आई थिंक बहुत ही अच्छा चेंज भी था, क्योंकि काफ़ी सारी फिल्में द मूवीज दैट हैव बीन अ पार्ट ऑफ हैव बीन देव हैड अ मोर इंटेंस जोन आई वुड से. तो टू बी अ पार्ट ऑफ अ हॉरर कॉमेडी बहुत ही मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. राज, जस्टिन, यू टुवर्ड्स योर लेफ्ट हियर. Raj, as my colleague said, Mard Ko Dard Nahi Hota was a very famous tagline associated with quintessential macho hero. After several hit films and lots of awards, is there a feeling of you feeling like a hero today, finally? I don't know how a hero feels, honestly. I feel like an actor. I wanted to be an actor. And I always want to feel like an actor. I don't know this term, honestly, hero. Mere paas actually koi script bhi leke aata hai na, bolta hai ki, sir, hamara jo hero hai na, main sukhata hai, ek second. उसका कुछ नाम है कि वो हीरो ही नाम है उसका, लेकिन वो जो कैरेक्टर है ऐसा ना, दिस सी द कैरेक्टर्स नेम. व्हाट इज हीरो? वी आर नॉट हीरोज. हीरोज आर पीपल हु आर फाइटिंग ऑन बॉर्डर्स, मैन. फॉर अस, वी आर नॉट हीरोज, वी आर जस्ट डूइंग आवर जॉब, दैट्स इट. आल्सो आई रियली वांटेड टू आस्क राज एंड डीके, आई मीन एनी ऑफ यू इफ यू कैन आंसर, वेयर एग्जैक्टली डिड दिस स्टोरी ओरिजिनेट? आई मीन इफ यू कैन गिव मी अ टाइमलाइन एंड द प्लेस ऑफ द लोकेशन और समथिंग लाइक दिस. सी द आईव वी एक्सपीरियंस इन आवर होम टाउन when we were in college 5 years ago. Which was small town, Andhra Pradesh. Sorry? Andhra Pradesh. This is in Andhra called Tirupati, the Balaji town. That's where we were studying, so that's where we experienced. Then we learned that it was happening in Bangalore also. Every language seems to have this sense. And then there was something happening in the north, in a couple of small places. Then I heard it was happening in Thailand. So it's a little strange phenomenon. And it's just, now it's going to happen in Bombay. So, so it's pan. It's something that people have picked up in a weird way. It's not one of your true urban legends. It's an urban legend at the same time. Who made it up? Who can prove it? All that stuff is what's fun about the film. Hi, Rajkumar. Hi, Ravi. Hi, sir. Rajkumar, Justin ke question ka follow up karna chahunga. जैसे कि उन्होंने अभी आपसे सवाल किया हीरोइज्म के बारे में, जब आपने शुरुआत की थी लव सेक्स और धोखा से, उस वक्त ऐसी बहुत सारी फिल्में उस वक्त ज़्यादा बन रही थी. एक हीरो जो टर्म है हमारे यहाँ, हीरोइज्म ज़्यादा होता है फिल्मों में. आप जिस तरह की फिल्मों का हिस्सा बनते आए हैं, हाल ही में जो आई थी न्यूटन, वो टर्म आपको लगता है डाइल्यूट हो गया है? जब एक हीरोइज्म का जो फिनोमिना था वो ज़रा डाइल्यूट हो गया है, अब जो हीरो होता है फिल्मों का बहुत रिलेटेबल चीज़ें करता है, बहुत रियलिस्टिक चीज़ें करता है, तो आप उस तरह की सिनेमा का हिस्सा बन गए हैं, तो इस बारे में आपके की राय क्या है? नो, आई टोटली अग्री विद यू सर. आई थिंक सिनेमा जिस गति से चेंज हो रहा है, आई थिंक उसमें हीरो की जो सो कॉल्ड हीरो की परिभाषा है वो भी चेंज हो रही है. दैट्स व्हाई आप देखेंगे आज, मतलब हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार आमिर सर भी, वो भी दंगल करते हैं. मैंने 50 साल के एक पिता का रोल करते हैं. तो कहीं ना कहीं हीरो की परिभाषा चेंज हो रही है. एक जॉनर है एक्शन जॉनर, जहाँ पे यू नो स्टंट्स होंगे, बॉडी दिखानी होगी, वो एक जॉनर है. उसको आप अगर हीरो कहना चाहें तो आई डोंट नो, बट आई थिंक अभी एक कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी आ गई है. कॉन्टेंट फाइनली यू नो इट्स गेटिंग इट्स ड्यू रिस्पेक्ट. तो अभी हमारी ऑडियंस भी है जो वो कैरेक्टर्स देखना चाहती है स्क्रीन पे. वो चाहती हैं कि एक्टर्स आके कैरेक्टर्स को निभाएं और कुछ एक नई लहजा लें, नई बॉडी लैंग्वेज लें. दैट्स वाई आई थिंक films like Newton or Bareilly Ki Barfi or Sanju, there's so many films, Dangal, they're doing you know so amazingly well. Ek sawal aur, kya pichle 8 saalon mein aapko ab aisa lagta hai ki aapne bahut sari filmon mein choti choti bhumikaen ki hai, Gang of Wasseypur mein bhi aur bahut sari filmon mein, ab aapko lagta hai ki mainstream jo Bollywood hai usne aapko ek bade star par accept kar liya hai aur aap badi badi filmein kar rahe hain, aisa kuch ehsaas hota hai aapko ab?
एहसास. आई डोंट नो सर, ऑनेस्टली आई जस्ट आई गो. लेट मी आंसर दैट ऑन हिज बिहाफ. खुद आई थिंक खुद ये बोलना मुश्किल है कि एक्सेप्ट 100% कर लिया और आई थिंक बहुत लेट किया है. He deserved it, I think, way before. Dinesh ji. Shraddha here. Shraddha, Saina Nehwal's biopic is in the making for a long time. There have been a lot of delays. What is the update? And finally, when will we get to see the final? I think first, let me let you guys figure out if I'm stri or no. Phir badminton racket rahungi. अगर इस फिल्म की बात करें, दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे है. सवाल इसलिए है कि मंच पे अभी चार चार डायरेक्टर्स खड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग यू, और आप प्रोड्यूसर हैं, इसीलिए सवाल आपसे कर रही हूँ कि जिस तरह से जो हॉरर फिल्म्स हैं उसमें मेन स्ट्रीम जो एक्टर्स हैं वो यूजुअली नहीं आया करते थे, लेकिन अभी बड़े स्टार्स भी जिस तरह से हॉरर फिल्म्स की ओर उनका रुख हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि आगे हम अच्छी हॉरर फिल्म बना पाएंगे? बिल्कुल ही. एक्चुअली अगर आप देखें साउथ में तो ये जो जॉनर है हॉरर कॉमेडी का बहुत सक्सेसफुल रहा है, और ये यहाँ की पहली हॉरर कॉमेडी है. सो हम चाहेंगे कि स्त्री 2, स्त्री 3, स्त्री 4, स्त्री 5 चलते रहे हमारे लिए गाड़ी. बट आई फील ये जॉनर इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको जेन्यूनली डराएगा और जेन्यूनली हंसाएगा, और बिकॉज एक ट्रू फैक्ट पे बेसिस है. हम सब ने सुना है ना कि रात को अकेले चल रहे हो और पीछे से आवाज़ आए तो मुड़ना नहीं चाहिए. तो इन मर्दों ने गलती की, इनमें से कोई थोड़े मुड़े हैं. सो आई थिंक बहुत एंटरटेनिंग जॉनर है, और जैसे बड़े पर्दे पे, जैसे डिजिटल का इतना रीच है अभी कि हमें पिक्चरें ऐसे बनानी है जो बड़े पर्दे पे देखने में मज़ा आए, तो इसमें वो हॉरर एलिमेंट आपको एक्चुअली लोगों के साथ देखने में मज़ा आएगा और आपको जैसे एंटरटेनमेंट भी आपको हंसाएगा भी. तो मुझे लगता है ये जॉनर इज हियर टू स्टे. हम डेफिनेटली इस जॉनर में पिक्चरें बनाने वाले हैं, और हम चाहेंगे ये लिखते रहें, ये एक्ट करते रहें और वो डायरेक्ट करते रहें. Guys, we'll continue with the questions. The RJ and the host in me will never die, and I just spotted two very important members of our family. Please welcome on the stage Sachin and Jigar, the music directors of Sri. Hello. हाँ, एक्चुअली मैं म्यूजिक के बारे में पूछने जा रहा था. सो आपका टाइमिंग माइंड ब्लोइंग है. सो दे हैव कम एट द राइट टाइम. अमर जी द डायरेक्टर, मैं वही पूछने जा रहा था. अभी प्रोड्यूसर ने बोला इतना अबाउट हॉरर रिलेटेड और हमारा जो जॉनर है, तो म्यूजिक क्या प्ले कर रहा था, मैं वही पूछने जा रहा था. और सचिन और जिगर, बहुत बहुत जरूरी था म्यूजिक. तो हाउ इवेंट ऑफ इट, हॉरर एंड कॉमेडी म्यूजिक को, गाने कितने हैं, हाउ मच द सॉन्ग? गाने 18. वेरी गुड. माइंड सर, नहीं 18 नहीं है सर, 18 नहीं है, लेकिन जो हॉरर और कॉमेडी में, कॉमेडी और मस्ती का पार्ट है एक्चुअली जिगर. अभी तक ABCD के हैंगओवर में उसमें 12 गाने थे. बट हाँ, हॉरर और कॉमेडी का जो कॉम्बिनेशन है उसमें कॉमेडी और फन का काम जो है वो गाने करते हैं. और हमारा जो डीनो सर का एक सर, मैं तारीफ करूँ अपनी, आप करेंगे? दोनों नहीं करते. सो वी ऑलवेज डन म्यूजिक, न्यू एज म्यूजिक टुगेदर, ऑफकोर्स राज एंड डी के एंड डीनो सर. तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं, और इस फिल्म के जो गाने हैं वो आपको डराने के साथ नचाएंगे ज़रूर, फॉर श्योर. अपार, माय क्वेश्चन इज फॉर यू. अपार, हमने आज तक आपको मोस्टली प्लीज, वी हैव सीन यू मोस्टली डूइंग कॉमेडी रोल्स. विल वी एवर सी यू एक्सपेरिमेंट एनी डिफरेंट जॉनर इन फ्यूचर? ऑफ कोर्स, देयर इज समथिंग टू कम वेरी सून, सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट यस, देयर इज समथिंग कमिंग व्हिच इज नॉट कॉमिक. Also, how do you react when you read rumors like you and Fatima being linked together? Oh, wow, what a question, bro. Bro, after shooting for almost 6-7 months, I came back to Bombay, she came back to Bombay, Sanya was in Bombay, so we all caught up. And that's about it, man. I'm married, please, matlab aise na karo. Yeah. Well, yeah, that's one thing. I'm really worried, actually. But nothing. Like, I always kept acting whenever I got a chance. I did Ajji last year, which was, you know, yeah. So I kept doing whatever came my way and whatever I could experiment with.
and just got to know that Amar Bhai was making a film. I asked him, "Koi character hai jisme aap mere ko dekhna chahenge?" Exactly like how an actor would approach casting director. I approached his casting directors, and they took my audition. And finally, by luck or whatever, you're the find of the season. Yeah, like so he found me. Or by the way, nobody knows that he acted in Go Go Gone. Oh, that yes. was his discovery role. Yeah, that's true. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. आई थिंक फिल्म्स के थ्रू हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रैवल करने के लिए टू वेरी स्वीट लिटिल टाउन्स. छोटे छोटे शहरों में जाने का मौका मिलता है, उन वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का भी मौका मिलता है. तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत मज़ा आया. और आई थिंक कि हमारी फिल्म ने चंदेरी को भी बहुत अच्छी तरह से कैप्चर किया है, द ब्यूटी ऑफ चंदेरी. सो आई होप एवरीबडी एन्जॉयज़ इट.